द नेक्स्ट टॉपिक इज इंश्योरेंस सर्विसेज. सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड द प्रीमियम. ओके, इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, जो इंश्योरर होता है और इंश्योर्ड होते हैं, इन विच इंश्योरर जो है वो एग्री होता है कि वो मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि वो जो भी लॉस हो रहा है इंश्योर्ड का, वो किसी भी इवेंट के हैपनिंग पे वो उसको कॉम्पनसेट करेगा. ऑफ इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रेगुलर पेमेंट. और उस पर क्या है, वो डिफरेंट रेगुलर पेमेंट जो लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीमियम. सो द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन राइटिंग एंड इज़ नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी. तो ये जो एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राइटिंग में होता है, मतलब रिटन फॉर्म में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं. ठीक है, देन कह रहा है द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ यूज इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं यूज़ होते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो सबसे पहले आपका इंश्योरर. सो इंश्योरर इज़ द इंडिविजुअल और द फर्म. इंश्योरर कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है या फर्म होता है हु गेट्स कॉम्पनसेशन ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, विच एग्रीज टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड. कि वो ये एग्री होता है कि अगर कोई लॉस किसी भी इंश्योर्ड को होता है तो वो उसको पूरा कॉम्पनसेट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंश्योर्ड. सो इट इंश्योर्ड इज़ द इंडिविजुअल. इंश्योर्ड क्या है? इंडिविजुअल है और कोई फर्म है हु गेट्स कॉम्पनसेशन ऑफ द लॉस, जिसको क्या है, कॉम्पनसेशन मिलता है कोई भी अगर लॉस होता है. इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम. जो भी इंश्योर्ड है वो क्या करता है, रेगुलरली वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी पे करता है. अभी प्रीमियम क्या होता है, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस. सो नेक्स्ट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट. सो इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी और द काइंड ऑफ द लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी. ठीक है, ये रेफर क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर पॉलिसी का और द काइंड ऑफ लॉसेस, जो लॉस हो रहा है कवर्ड अंडर द पॉलिसी, कि जो पॉलिसी के अंडर कवर होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कॉम्पनसेटेड ओनली इफ इट इज़ ड्यू टू फायर. कि अगर वो हैपनिंग, अगर वो इवेंट हो रहा है, मतलब किसी ने इंश्योरेंस कराया है फायर का, बट हो क्या जा रहा है, उसके यहाँ थेफ्ट हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है, तो उस कंडीशन पे उसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. तभी मिलेगा जब जिस पर्पस से उसने कराया इंश्योरेंस, वही पर्पस अगर हैपन होता है, वही इवेंट अगर हैपन होता है, उसी कंडीशन पे वो जो सारा कॉम्पनसेशन है वो दिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज प्रीमियम. सो इट रेफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली. ठीक है, ये अमाउंट क्या है, या तो क्वार्टरली पेड होता है, हाफ ईयरली पेड होता है, एनुअली पेड होता है बाय द इंश्योर्ड के थ्रू टू द इंश्योरर को फॉर गेटिंग कॉम्पनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस. कि कॉम्पनसेशन मिलता है कब, जब लॉस की कंडीशन हो जाती है. ठीक है, तो देयर आर ऑल्सो सम डेफिनेशन इज गिवन हियर. सो इंश्योरेंस इज अ डिवाइस, इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल टू एन इंश्योरर. ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक डिवाइस होता है, जो भी रिस्क है किसी भी इंडिविजुअल का वो इंश्योरर पे करता है, हु एग्री फॉर द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन को पे करने के लिए, जिसको प्रीमियम बोल रहे हैं, प्रीमियम को पे करने के लिए रेडी है टू अज्यूम टू स्पेसिफिक एक्सटेंट, कोई भी स्पेसिफिक एक्सटेंट के लिए लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, जो भी लॉस सफ़र हो रहा है बाय द इंश्योर्ड से. सो इंश्योरेंस इज़ अ सोशल डिवाइस. इंश्योरेंस क्या है, सोशल डिवाइस है. सो इट इज़ गिवन बाय द DH हाउसल हैजल. ओके, सो इंश्योरेंस क्या, एक सोशल डिवाइस है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इफेक्ट ऑफ द मिसफॉर्चून. कोई भी अगर मिसफॉर्चून हो गया है,
द पेमेंट बीइंग मेड बाय द एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टीज, ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑल द पार्टीज करती है पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम, किसी भी स्कीम में कोई भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्ट करें पार्टिसिपेट करें वो सारा ही क्या करते हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक और डेफिनेशन है, सो इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन। क्या है, वन पार्टी मतलब इंश्योरर एग्री है इन रिटर्न ऑफ ए कंसिडरेशन इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टू पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, कि जो एग्रीड सम ऑफ मनी है वो उसको पे करेगा अनदर पार्टी मीन्स इंश्योर्ड को टू मेक गुड फॉर अ लॉस, कोई भी लॉस हुआ इस कंडीशन पे, डैमेज हुआ है, इंजरी हुआ है, टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच इंश्योर्ड हैज़ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इन विच इंश्योर्ड का क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एज अ रिजल्ट सम अनसर्टेन इवेंट की, कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो उस कंडीशन पे इंश्योर्ड का क्या है कोई एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, कि अगर उसको कुछ लॉस हो रहा है तो ये क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेगा, तो जो भी लॉस हुआ है वो उसको क्या है पूरा कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस। सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा एंड द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ द लॉस। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, सो द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर, फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन द फेथ। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल होता है, जो भी ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, किसी भी इंडिविजुअल में या इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक फेथ पे ही ये डिपेंड होता है। ठीक है, सो द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो भी इंश्योर्ड है, जो भी इंश्योरर है, उन्हें क्या करना है, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो भी बेसिकली फैक्ट हैं जब वो लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो उनको हर एक चीज़ उससे रिलेटेड एक दूसरे को क्या कर देना है, डिस्क्लोज कर देना है, बता देना है। एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, और जो दोनों पार्टी है मीन्स इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, दोनों पार्टी क्या है, एक दूसरे से कोई भी मटेरियल फैक्ट या फैक्ट एक दूसरे से हाइड नहीं करेंगे रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी रिलेटेड है इंश्योरेंस पॉलिसी से उस कंटेक्स्ट में वो लोग कोई भी एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। इफ़ द इंश्योर्ड हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर क्या है कोई भी इंश्योर्ड क्या करता है, कोई भी मटेरियल फैक्ट हाइड करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पे एंड लेटर ऑन द इंश्योरेंस इंश्योरर कम्स टू नो अबाउट इट, और बाद में इंश्योरर उसके बारे में जानता है, देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे कॉम्पनसेशन। अब उस कंडीशन पे वो क्या है, इंश्योरर क्या है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है, मतलब मना कर सकता है कि वो कॉम्पनसेशन को पे नहीं करेगा। सो फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योरर इंश्योर्ड मेक द कॉन्टैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल। ओके, सो एट द डिस्क्रीशन ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर, जैसे ही उसने डिस्क्लोजर नहीं किया, मतलब फेल हो गया कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताया, बाय द इंश्योर्ड मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर, और इंश्योरर के डिसीजन पे वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, कोई पर्सन है, उसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है by hiding the fact that he is a heart patient,
और उसने ये जो भी उसकी प्रॉब्लम थी ये उसने हाइड कर दिया कि वो उसको हार्ट का पेशेंट है. सो लेटर ऑन इट इफ इंश्योर डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक, अगर लेटर बाद में कोई भी वो जो इंश्योर्ड है वो हार्ट अटैक की वजह से क्या होता है डाइड हो जाता है, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे कॉम्पनसेशन. तब उस कंडीशन पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो रिफ्यूज़ कर देगी, मतलब कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगी, बिकॉज अ मटेरियल फैक्ट वॉज हिडन बाई द इंश्योर्ड. कि जो एक मटेरियल फैक्ट था, जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी जिसको जानना ज़रूरी था, उसने इंश्योरर ने उसको इंश्योर्ड से हाइड कर दिया. ठीक है. सो सिमिलरली इफ़ अ फैक्ट्री ओनर टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री का ओनर है उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, हाइडिंग द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ इशूड हिम अ स्टैटूटोरी वार्निंग लेटर टू गेट हिज फैक्ट्री वायरिंग चेंज, ठीक है, और ये बिना और ये नहीं उसको जो भी इंश्योर्ड है सॉरी इंश्योरर है वो ये नहीं बताता इंश्योर्ड को जब भी वो उसने क्या लिया है, फैक्ट्री ओनर ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये उसने रिवील नहीं किया कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने उसको एक वार्निंग दे रखी है कि अपनी जो भी आपकी जो वायरिंग हुई है आपके जो फैक्ट्री में उसको चेंज कर दीजिए. एंड लेटर ऑन इट इफ़ फैक्ट्री कैचेस फायर, और बाद में अगर जो भी फायर है वो हो जाता है उसके ऑफिस में उसके फैक्ट्री में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, कोई भी शॉर्ट सर्किट ऑफ वायरिंग, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे द कॉम्पनसेशन. उस कंटेक्स्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी क्या है वो रिफ्यूज़ करेगी कि वो कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगी, बिकॉज इंश्योर्ड वॉज इंश्योर्ड हैज़ हिडन द फैक्ट ऑफ द स्टैट्यूटोरी वार्निंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, जो भी इंश्योर्ड था उसने क्या किया है, इंश्योर्ड ने वो जो स्टैट्यूटोरी वार्निंग थी विच इज़ गिवन बाई द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो इंश्योरेंस कंपनी से हाइड कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड क्या है उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब अगर वो इंश्योरेंस करा रहा है तो उस कंडीशन पे उसका एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर हैं, विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल एंड द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. अब वो कोई भी इंश्योरेंस करा रहा है बट ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट टू मच इंटरेस्टेड, तो ये क्या हो जाएगी, एक गैम्बलिंग हो जाएगी, एक फ्रॉड हो जाएगा, एंड लॉज डज नॉट परमिट इट, और जो लॉज हैं वो इसको परमिट नहीं करते हैं. सो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद इन द रिलेशन ऑफ द इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किससे रिलेशन में है, इंश्योर्ड के साथ रिलेशन में विद द पर्सन हु टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, और उस पर्सन के साथ जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस, कि ठीक है वो अपने स्पाउस के लिए या वाइफ के लिए या तो कोई हस्बैंड के लिए वो ले रहा है, और फॉर हिज चिल्ड्रेन अपने चिल्ड्रेन के लिए ले रहा है, बट ही शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर. अब कोई भी अब एक स्ट्रेंजर के लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा. सो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट और ही मस्ट बी ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस इंश्योर्ड जो है वो मस्ट सफ़र होगा फाइनेंशियल लॉस में इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट, जब ये सब्जेक्ट मैटर ये प्रूफ करने में क्या बोलते हैं कि वो पूरा फुली कंट्रोल नहीं कर पाएगा एज वेल एज वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा कि इसमें क्या है किसी भी इंश्योर्ड का एक इंटरेस्ट दिया है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रमाइसेस देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री. ठीक है, कोई एक पर्सन है वो लोन लिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसेस, कि फैक्ट्री के अगेंस्ट में किसी ने लोन लिया है तो लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. अब लेंडर को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा
विदाउट बींग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, उसके ओनर नहीं है तो भी, बिकॉज ही हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी फैक्ट्री प्रमाइस, बिकॉज उसका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. सो इन दी केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी. जब इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए जब भी पॉलिसी जब भी ली जा रही है इंश्योरेंस पॉलिसी. सो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जब पॉलिसी ली जा रही है एज वेल एज जब लॉस हो रहा है, उन दोनों कंडीशन पे क्या है, ये एक इंटरेस्ट होना प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो इन ऑल अदर टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है, अदर जितने भी टाइप्स हैं इंश्योरेंस इंक्लूडिंग मरीन इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट. जो इंश्योरेबल इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. कोई भी सब्जेक्ट मैटर जिस कंटेक्स्ट में कोई भी इंश्योरेंस ली गई है तो उस कंडीशन में जब लॉस हो रहा है तो एट दैट टाइम एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss. Okay? तो इस principle के according insurance जो है वो क्या है, it's not a contract of the making profit. कि कोई भी individual अगर insurance के contract में आ रहा है, it doesn't mean कि वो profit के लिए हो रहा है. The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss. ठीक है, जो purpose है insurance का वो वही है कि किसी भी insured को उसी financial position में लेकर आना है जैसे वो loss के पहले था. So for example, if a person insured his factory for rupees 2 lakhs against fire. ठीक है, किसी person ने क्या किया, अपनी जो भी factory थी उसको 2 lakh में उसको इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस. सो ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 1 lakh. ठीक है, फायर की वजह से उसको 1 lakh का क्या हुआ, लॉस हुआ. देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट हिम 1 lakh ओनली. ठीक है, उसने 2 lakh का इंश्योरेंस कराया था बट जो लॉस हुआ उसको बस 1 lakh का ही हुआ. तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको कॉम्पनसेट करेगी 1 lakh ओनली, not the policy amount that is 2 lakh. अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉलिसी अमाउंट अगर 2 lakh है और उसको लॉस रियलिटी में 1 lakh का हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 lakh का ही सारा लॉस को पे करेगी. ठीक है, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट हिम रुपीज़ 1 lakh ओनली, नॉट द पॉलिसी अमाउंट डैट इज़ 2 lakh. ठीक है, 2 lakh उसको वापस नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज दी compensate for the loss not for the earning profit. कि अभी देखो क्या है कि किसी ने insurance 2 lakh का कराया, ठीक है, but उसको loss जो हुआ वो कितने का हुआ, जो उसको loss हो रहा है 1 lakh का हो रहा है. but अगर उसको 2 lakh वापस मिल जाएगा तो उसको तो 1 lakh का फिर profit हो गया ना. तो इस condition पे अगर जितने का loss हुआ है उतना ही क्या होगा, compensation मिलेगा. सो द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द लाइफ इंश्योरेंस. जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस पे ये फॉलो नहीं होता है बिकॉज वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ द पर्सन. कि कोई भी किसी की डेथ को ये मेजर नहीं कर सकता है कि उसकी कितनी डेथ हुई है, पूरी हुई है कि हाफ हुई है या जो भी, तो वो किसी की डेथ को कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता है. तो इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो फॉलो नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. सो द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज द कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का रिजल्ट होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर किसी इंडिविजुअल ने क्या किया है, मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी लिए फॉर दी सेम सब्जेक्ट मैटर,
मतलब एक ही चीज़ का उसने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, देन ऑल द इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कॉम्पनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। फिर उस कंडीशन पे जितने भी इंश्योरर हैं वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे जितना उन लोग का अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है एंड कॉम्पनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। और उनको कॉम्पनसेट किस में करेंगे, जितना उनका एक्चुअली अमाउंट है लॉस हुआ है उतने पे वो कॉम्पनसेट करेंगे। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम द ईच इंश्योरर। अब सेपरेटली वो हर एक इंश्योरर से वो टोटल लॉस को वो नहीं लेगा। द इंश्योरर कंट्रीब्यूट टू द टोटल लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट एश्योर्ड बाई ईच। तो जो इंश्योरर है वो कंट्रीब्यूट क्या करेगा, टोटल लॉस इन प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन में करेगा कि जितना अमाउंट वो लोग ने एश्योर किसी ने कराया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ पर्सन गेट हिज़ हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 1 लाख, ठीक है, विथ इंश्योरर, कि कोई पर्सन ने अपने हाउस को क्या किया है, फायर इंश्योरेंस करवाया है उसका, तो कितने का करवाया है, 1 लाख का करवाया है, ठीक है, विथ इंश्योरर ए के साथ एंड फॉर दी 50,000 विथ इंश्योरर बी के साथ उसने 50,000 का इंश्योरेंस कराया। अ लॉस ऑफ 75,000 अकर्ड, बट एक जगह उसने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था, अब दूसरी जगह वो क्या कर रहा है, वो 50,000 का इंश्योरेंस कराया है जो भी इंश्योरर बी था, बट उसका तो टोटल इसका कितना हो गया, 1,50,000, बट रियलिटी में उसको लॉस कितने का हुआ है, बस 75,000 का हुआ है। देन ए इज़ लायबल फॉर दी 50,000। अब ए कितने के लिए लायबल है कि वो 50,000 देगा, एंड द बी इज़ लायबल फॉर दी 25,000, ठीक है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ 1 लाख का इंश्योरेंस कराया था और बी के साथ 50,000, तो बट ऑब्वियस है कि जो जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका, ए का ज़्यादा होगा, तो ए कितना करेगा, वो लायबल है पे करने के लिए 50,000 एंड द बी इज़ लायबल फॉर दी 25,000। अब ये 50,000 और ये 25,000 कहाँ से आया, तो इसके लिए आप ये देखिए फार्मूला है, द फार्मूला यूज फॉर द डिटरमाइन द कॉम्पनसेशन अमाउंट इज, जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो कैलकुलेट करने के लिए, सम एश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर, मतलब हर एक इंश्योरर के साथ कितने अमाउंट का किया गया, तो पहले के साथ अगर हम ए का निकालते हैं तो इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द ए, तो ए के साथ कितने का किया गया, 1 लाख का, देन नीचे क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल सम इंश्योर्ड, मतलब अगर दो के साथ इंश्योरेंस कराया तो कितना हो गया, 1 लाख फर्स्ट के साथ, 50,000 सेकेंड के साथ, तो नीचे हो गया आपका 50,000। ठीक है, ये 1 लाख, नीचे 50,000 इंटू क्या कह रहा है, एक्चुअल लॉस, और लॉस उसको कितने का हुआ, 75,000 का। अब इसको क्या करिए, 5 × 2 = 10, देन आपका क्या आ गया, 50,000, ठीक है, 50,000 हो गया। तो जो भी कॉम्पनसेशन ए को मिला कितना हुआ, 50,000। अगर हम बी का कॉम्पनसेशन निकालते हैं तो कितना हुआ, उसने कितने का इंश्योरेंस का 50,000 का करवाया था, 50,000 का पर्सन ने कराया था बी कंपनी के साथ, और एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, टोटल सम इंश्योर्ड कितना हुआ, 1,50,000 इंटू 75,000, ठीक है, 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25,000, ठीक है। तो ए के साथ कितना हुआ, 50,000 एंड विद द बी देयर इज 25,000, 50,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 75,000 विच इज़ इक्वल टू 25,000। नेक्स्ट कह रहा है, सो दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब ये क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ये जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आफ्टर पेइंग द कॉम्पनसेशन
द इंश्योरर स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड, कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे ही कॉम्पनसेशन आफ्टर पेइंग द कॉम्पनसेशन मिल जाता है, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। अब इंश्योरर क्या है, कहाँ पे एक जो इंश्योर्ड है उसके शूज़ में उसकी एंट्री हो जाती है। इसका मतलब क्या है, मतलब व्हेन द इंश्योर्ड इज़ कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस और द डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन द इंश्योरर। ठीक है, जैसे ही इसका कॉम्पनसेशन मिल जाएगा फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो किस पे पास हो जाएगी, इंश्योरर पे। दिस इज़ ऑल्सो अ कोरोलरी ऑफ टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज वंस द कॉम्पनसेशन इज गिवन लेटर ऑन इफ इंश्योर्ड रियलाइज सम मनी बाई सेल ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी दैट विल ब्रिंग प्रॉफिट फॉर हिम एंड इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, जैसे अगर ये हो जाता है कि उसको क्या है, उसका 1 लाख का क्या, वो पूरा उसने इंश्योरेंस कराया था बट 1 लाख का उसका 1 लाख का कराया था, बट अगर उसके यहाँ फायर इंश्योरेंस मतलब फायर लगी उसके फैक्ट्री या होम में, तो उसका जो लॉस हुआ वो हुआ 75,000 का हुआ। तो इससे क्या हुआ, अब वो इंश्योरेंस कंपनी से तो 1 लाख ले लिया, लॉस उसको 75,000 का हुआ, तो 25,000 वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने लगा। इस कंडीशन पे सबरोगेशन क्या कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो भी डैमेज सामान है जो हम ऑल यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर इंश्योरेंस कंपनी लेके उसको रीयूज़ कर लेती है, उतना अमाउंट उतना मनी नहीं देती है, बिकॉज प्रिंस ये जो प्रॉफिट ऐसे क्या हो जाएगा, कोई भी जो पर्सन है वो प्रॉफिट ले लेगा, और इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कोई भी प्रॉफिट इसमें अर्न करे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ द कॉजा प्रॉक्सिमा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और द रीज़न फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स कि अगर कोई भी कॉज या रीज़न होता है कि कोई भी लॉस हुआ है, तो जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, उसी सब्जेक्ट मैटर से अगर कुछ लॉस होता है तो उसी कंडीशन पे ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी, अदरवाइज वो पे नहीं करेगी। इफ़ लॉस इज़ ड्यू टू सम अदर कॉजेज, अगर जो लॉस हुआ है वो कोई, जैसे उसने कराया फायर इंश्योरेंस, मतलब कि वो कुछ गुड्स का कराया है, बट जो फायर है वो किसी और चीज़ में लगी या किसी और वजह से लगी। ठीक है, जैसे उसने क्या इलेक्ट्रिसिटी का करवाया था, और बट क्या हुआ है कि उसके यहाँ जो फायर लगी बट उससे क्या हो, कोई मैनुअली किसी ने लगा दिया, तो उस कंडीशन पे इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कॉम्पनसेट नहीं करेगी। ठीक है, सो दे विल इफ लॉस इज़ ड्यू टू सम अदर कॉज, अगर लॉस क्या हो रहा है किसी और कॉज की वजह से हो रहा है, देन द इंश्योरेंस इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कॉम्पनसेशन। उस टाइम इंश्योरर क्या करेगा, डिनाई कर देगा कि वो कॉम्पनसेशन नहीं करेगा। देखिए इसका एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी पर्सन ने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है फॉर सेंडिंग द वीट बैग्स, वीट के जो बैग्स हैं उसको भेजने के लिए, एंड ऑन द वे में क्या हुआ, रैट स्पॉइल्ड द वीट, जो रैट था चूहा उसने पूरे वीट को स्पॉइल कर दिया, देन नो कॉम्पनसेशन विल बी गिवन, तब उस कंडीशन पे कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज अंडर मरीन इंश्योरेंस में द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पेरल्स, ये जो पेमेंट कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा कि जो सी पेरल्स की वजह, मतलब सी में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी हो गया, स्टॉर्म आ गया या वो सिंक कर गई, ऐसी कोई कंडीशन होगी तभी मरीन इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, नॉट फॉर द रैट, रैट के लिए नहीं मिलेगा। सो ऑन द अदर हैंड इफ़ द रैट मेक्स अ होल इन द शिप थ्रू विच वाटर एंटर्स, अगर रैट क्या कर देता, शिप में होल कर देता और उसकी वजह से वाटर एंटर हो जाता एंड स्पॉयल द वीट बैग्स, और वीट बैग्स को स्पॉयल कर देता, देन द कॉम्पनसेशन विल बी गिवन, क्योंकि उसने शिप को उसमें स्पॉयल किया। ठीक है, बट रियलिटी में उसने क्या किया कि जो वीट बैग्स है, वीट बैग्स था उसमें उसने स्पॉयल कर दिया। ठीक है, तो लॉस ऑफ वीट इज़ ड्यू टू सी वाटर, जब लॉस जो गुड वीट हो रहा है वो ओनली बिकॉज ऑफ सी वाटर, उस कंडीशन पे ही क्या होगा, कॉम्पनसेशन का पैसा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका
principle of mitigation of loss. So according to this principle, the insurer must take care of his property or the subject matter of the insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. अब ऐसा नहीं है जैसे किसी ने अपनी कार का इंश्योरेंस करा लिया, बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, तो वो एकदम मस्त है, फ्री है, चलो चोरी भी हो जाए डजंट मैटर, पैसा तो मिल जाएगा. ये कोई लॉजिक नहीं हुआ. उसको अभी भी वैसे ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जैसे उसने इंश्योरेंस नहीं कराया है. द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी. जो इंश्योर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके केयरलेस नहीं हो सकता. आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, ये ड्यूटी है इंश्योर्ड की टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट, कुछ रीजनेबल एफर्ट करे एंड टेक ऑल द अवेलेबल प्रिकॉशंस टू सेव द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, और कुछ ऐसे अवेलेबल प्रिकॉशंस को ले टू इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस, किसी पर्सन ने अपनी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया अपने हाउस की, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट ही शुड टेक ऑल द मेजर्स टू स्टॉप द फायर एंड मिनिमाइज द लॉस. ठीक है, अब उसको क्या करना चाहिए, उसको सारे मेजर्स लेने चाहिए कि वो जैसे स्टॉप फायर को स्टॉप कर सके और मिनिमाइज कर ले लॉस रादर देन वॉचिंग द फायर. और वो इसकी जगह पे कि वो ये ना करे कि खड़े होकर फायर को देख रहा है, बिकॉज वो तो ये जान रहा है कि अरे इसका तो मैंने क्या किया है, इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको प्रोवाइड दे देगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसको क्या करना चाहिए, अपने गुड्स का वैसे ही प्रोटेक्शन करना चाहिए जैसे उसने इंश्योरेंस पॉलिसी